Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is video lecture number 23. I hope you have already watched part 1 to part 22 before watching part 23. So in this, as we had discussed in the previous lecture, that we will discuss from the next class some problems, difficult problems, which is basically required for concept building. So let me start doing some questions. And definitely these are some difficult questions, some tricky questions. Level will increase day by day, so difficulty level will increase and that will boost up your confidence and whatever the theory you have learned, jo types aapne sikhe hain, un sab ka application hoga. So is tarike se aaj problems karte hain aur shuruaat karte hain iski. Dekhte hain, sabse pehla sawal lete hain, question जो है वो एक ये क्वेश्चन लेते हैं. देखिए ये क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा का अंडर रूट. ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कोई टाइप अभी तक जो हमने सीखा है उनमें से इसमें कुछ टाइप ऐसा दिख नहीं रहा जिस टाइप से ये करे. जो टाइप सीख लिया है उसके आधार पे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगी और उस नॉलेज को हम यहाँ आप डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे करके, और आने वाले वीडियोज में भी एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और उनके ट्रिक्स और उनकी थॉट प्रोसेस सब पे बारी बारी से डिस्कशन होगी. साइन एक्स प्लस अल्फा को अगर हम खोल दें इसको तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स और ये साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं. ये रूट के अंदर है, पूरा का पूरा चीज किसके अंदर है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर. अब इसमें से अगर साइन एक्स कॉमन लें तो बाहर साइन फोर एक्स हो जाएगा और बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा. साइन एक्स कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ पे तो साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉस अल्फा रह जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट एक्स में. कॉटेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे वाले को अगर टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला डीटी हो जाएगा, है ना, डीटी के फॉर्म में आ रहा है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो कुछ बात बन सकती है. सो इट इज अ बेटर आइडिया टू थिंक अबाउट दिस एंड वी कैन गो हैड फॉर दिस. सो वॉट इज दैट, इफ आई टुक साइन एक्स कॉमन इट विल बी साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स रूट के बाहर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल ओके. नाउ नीचे में क्या बच जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा, यहां से साइन एक्स कॉमन ले चुके हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ये बच जाएगा राइट. अगर साइन अल्फा भी कॉमन ले लिया जाए तो ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा, तो बाहर में आ जाएगा साइन अल्फा कॉमन से रूट के अंदर साइन अल्फा, और ऊपर में हो जाएगा ये डीएक्स था, ऊपर में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स राइट, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और नीचे में मिल जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट एक्स. ध्यान देने वाली बात यह है कि रूट के अंदर जो है कॉट अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, कॉटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहां नहीं है तो माइनस यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया. अब अंडर रूट में जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर है न्यूमरेटर में, है कि नहीं, रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है और ये रूट में है, तो क्या सीखा आपने कि टू रूट एफ एक्स होता है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा टू रूट 2 माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो 2 रूट एफ एक्स होगा, यानी 2 तो यहाँ लिखी रखे हैं, ये कॉट अल्फा प्लस कॉट एक्स, ये होगा प्लस सी आंसर.
हमने क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है यही वाला फॉर्मूला जो अभी तक हमने सीखते आए हैं, अंडर रूट एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज टू रूट एफ एक्स प्लस सी, ये हमने इस्तेमाल किया है। आपको बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में कि हमने क्या सीखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब आप अगर थोड़े से ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आप इस स्टेप के बाद पता चल जाएगा आपको आइडिया, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, ये आप स्किप कर सकते थे, ये जो स्टेप है ये ओरल दिमाग में स्किप कर सकते थे। और नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव आता है तो टू रूट नीचे वाला होगा, यानी ये सीधे आंसर इस स्टेप के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि ये स्टेप के बाद सीधे आपको ये आंसर आना चाहिए, और यहां से यहां तक आने में आपको ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड लगना चाहिए। ये दो स्टेप समझने के लिए लिखा है, आपको आइडिया लग जाएगा कि साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अंदर में कॉट एक्स हो जाएगा, रूट वाला चीज है इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अंदर में रूट में एफ एक्स हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो टू रूट एफ एक्स आता है, ये ऑप्शन में लिखा रहेगा। ये ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ ये स्टेप एनालाइज करना है, और इसीलिए 25 से 30 सेकेंड का टाइम पर्याप्त है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या है। ऊपर में लिखा है साइन एक्स, नीचे में लिखा है साइन एक्स प्लस अल्फा, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करें? अब ध्यान ये है कि नीचे में साइन एक्स प्लस अल्फा है, ऊपर में साइन एक्स है ना, सो व्हाट टू डू, कैसे करें इसको? तो साइन एक्स प्लस अल्फा को ऊपर में हम अल्फा प्लस अल्फा और माइनस अल्फा लिख दे तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस अल्फा नीचे में है, या एक्स प्लस अल्फा को अगर टी पुट कर ले तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस अल्फा को टी पुट कर ले तो क्या होगा? एक्स प्लस अल्फा को अगर टी पुट कर लिया जाए तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू टी माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस इंटीग्रेंड को जो हमारे पास अभी साइन एक्स प्लस अल्फा है, एक्स के बदले टी माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो साइन टी माइनस अल्फा हो जाएगा, और नीचे साइन टी हो जाएगा, इसको आपने टी पुट किया है, और डीएक्स के बदले डीटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि ऊपर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन टी कॉस अल्फा माइनस कॉस टी साइन अल्फा, और नीचे में क्या है साइन टी, उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, है ना? साइन टी यहाँ भी, साइन टी यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये है डी टी। साइन टी से यहाँ साइन टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस अल्फा एक कांस्टेंट बच गया, इसलिए इसका कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, टी के डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वन का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ से टी, तो ये हो गया टी कॉस अल्फा बाहर हो गया, इंटीग्रल डी टी टी हो जाएगा। यहाँ साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाहर होने के साथ ही आपको क्या मिलेगा? नीचे साइन टी है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिखते हैं लॉग साइन टी, वैसे भी ये कॉट टी होगा और कॉट टी का डेरिवेटिव क्या होता है लॉग साइन टी होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टी क्या है? टी आपने ज़ूम किया है तो आप इसको वापस रख दीजिए, यानी ये आंसर हो गया एक्स प्लस अल्फा कॉस टी अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा स्टेप को डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कि समझा रहे हैं ताकि आप भी इस तरह की प्रैक्टिस डालें एग्जाम में। आप विश्वास कीजिए आपका समय आधा बच जाएगा, एक क्वेश्चन जो आप वैसे यूजुअली 2 मिनट में कर रहे हैं उसे आप 1 मिनट में कर पाएंगे, तो इसलिए हम समझा रहे हैं उसको। कुछ चीजें आप ओरली कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आपको डालनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है डीएक्स, तो इसको कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, अभी तक जो हमने ज्ञात पैटर्न है हमारा उनमें से किसी से तो ये बनने वाला है नहीं, ठीक है। सो व्हाट टू डू, इंटीग्रेशन में हम क्या करें कि साइन एक्स प्लस अल्फा है, साइन एक्स माइनस अल्फा से ही ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो क्या होगा अगर इसको मल्टीप्लाई करें, हालांकि ये काम ओरली करना चाहिए था लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं कि साइन एक्स माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर ही, नीचे साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ये हो गया डीएक्स, ठीक है। ये दो बार है तो इसका स्क्वायर होगा ऑफ कोर्स, साइन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा और साइन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर होने से साइन एक्स माइनस अल्फा रूट से मुक्ति मिल जाएगी, बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउटसाइड साइन एक्स माइनस अल्फा, इनसाइड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दैट विल रिमेन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दैट कैन हैपन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन एक्स माइनस अल्फा नाउ फर्दर यू कैन राइट इट साइन, अगेन इट इज अ फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, इन डिनोमिनेटर दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको आप दो इंटीग्रेंड में ब्रेक कर सकते हैं, एक जिसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा ऊपर में साइन एक्स, नीचे में ये पूरी चीज होगी, क्योंकि ऊपर में साइन एक्स है तो नीचे इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर कॉस अल्फा साइन एक्स एंड इफ यू कन्वर्ट देम इन कॉस इट वुड बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट कैन कम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, एंड दिस वन साइन अल्फा कैन बी टेकन कॉमन, सो व्हाट विल बी रिमेन इनसाइड कॉस एक्स एंड दैट विल रिमेन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स। सो व्हाट विल हैपन देन, it will come like here I can assume this two integrand can be taken as I1 minus I2 say right and keep them one by one, take them one by one. Now I1 can be written as cos alpha upon sin x under root cos square x alpha minus cos square x, cos square x yahi hai pehla, इसमें हम cos x को क्या पुट कर लेंगे t, तो sin x dx क्या हो जाएगा dt, ठीक है। सो पुट कर लिया यहाँ पे, आप सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, पुट cos x इज इक्वल टू t देन sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, राइट, एंड दिस विल कम लाइक cos अल्फा माइनस, यहां लिख देता हूँ dt का, ये हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, क्या होता है साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई कॉस अल्फा प्लस सी वन, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी का मतलब क्या है कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा like this plus c1, so ये एक हो जाएगा। अब करते हैं i2, i2 की बात, i2 में क्या है, now i2 is equal to, i2 में आपका है ये देखिए i2 में है sin alpha minus sin alpha बाहर है, sin alpha बाहर है cos x upon sin square x minus sin square alpha, तो ये i2 है ऐसा कुछ,
I2 is like this. I2 is like this. I2 कुछ इस तरह का है और इसको हम लेते हैं ऐसे। यहाँ पे साइन अल्फा, ये है कॉस एक्स डी एक्स, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, यहाँ पे हमें पुट कर लेना चाहिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो इसलिए इस कॉस एक्स डी एक्स के बदले, इस पूरे चीज के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट इट डी टी। सो I2 कैन बी रिटन एज साइन अल्फा इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो वॉट विल हैपन, दिस विल कम लाइक साइन अल्फा एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वॉट इज द फॉर्मूला, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी टू। सो दैट विल कम अप साइन अल्फा लॉग टी इज वॉट, नथिंग एल्स बट साइन एक्स, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, प्लस सी टू। एंड देयर फोर आई विल बी I1 plus I2, I1 minus I2. And what was I1? I1 we have calculated already. This is minus cos alpha sine inverse, minus cos alpha sine inverse cos x by cos alpha, right? And here I2 is what? Nothing else but sine, minus sine was already there. So minus sine alpha log sin x plus under root sin square x minus sin square alpha plus c2, c1 plus c2 is equal to c, one constant only. So that would be the answer of this question, right? Now let us see the next question. I hope you got it right now. You have got it. So now the next question is, we can take it like here, question is I is equal to dx upon sin x plus sec x, sin x plus sec x. This question is very important. Usually students not able to do this. Why they are not able to do this? Because of certain restrictions and certain characteristics of this question. What are those characteristics? Try to understand. We can write it dx upon sec x can be written as 1 upon cos x. So taking LCM, this would be sin x plus cos x plus 1, and denominator there will be cos x, which can come out in numerator, and in numerator this would be cos x dx. Can I write like this? Sec x is being converted as 1 by cos x and LCM is being taken. I hope everybody aware about this. Now we can multiply by 2 in numerator and denominator as well. Why I did so? Because 2 sin x cos x will convert something. 2 sin x cos x. And in place of 1, can we write cos square x plus sin square x? Why I am writing all these things? Because it will be in form of a plus b whole square. Because this is a square, this is b square, this is 2ab. So that will be converted as a plus b whole square. So cos x plus sin x whole square it would be, right? And in numerator there is 2 cos x. So it would be better than if I would write cos x plus sin x. Then one of them will be cancelled. And plus cos x, 1 cos x is there because 2 cos x was there. Sin x I have added, so I need to subtract sin x as well. So I can write like this. Now what would happen after doing this? Can we separate these two? Yes, we can. We can separate this cos x plus sin x whole divided by sin x cos x plus sin x whole square, right? Is it? Plus cos x minus sin x divided by sin x plus cos x, or cos x plus sin x is the same thing, whole square,
right? That will come. Okay. So how to do this? To deal with this question, one of them would be cancels out. Here, one of them will, because sin x plus cos x in numerator and sin x plus cos x in denominator, so that would be cancels out, and here it will remain sin x plus cos x only, right? Or cos x plus sin x only. Here, it will be cos x minus sin x whole divided by sin x plus cos x whole square, right? Now, this would come I1 plus I2. Here, again I say I1 plus I2, just for sake of convenience, right? Now, I can write here I1 is equal to, if we multiply numerators, 1 by root 2 and 1 by root 2 here, denominator as well, 1 by root 2 dx upon 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x. Can I write like this? Multiply and divide by 1 by root 2. And this would be 1 by root 2. That would be 1 by root 2. And this is dx upon, this is sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4. So can I write sin or cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4? You can write either way. Cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4. That would be cos x minus pi by 4. Cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b. And cos would be converted in terms of sec. So that would be sec x minus pi by 4. And you know integration of sec x can be done easily. What is the integration of sec x? Log sec x log of sec x minus pi by 4 plus tan x minus pi by 4. Sec x plus tan x plus c. That would be answer, right? So here I1 can be written. Now what was I2? I2 was like this. Sin x cos x minus sin x, and in denominator it was sin x plus cos x whole square, right? Now if I would take here that sin x plus cos x is equal to t, if I put like this, then derivative of sin x is cos x, and derivative of cos x is minus sin x, dx would be dt hoga, dt hoga. तो ऊपर वाला हो गया dt और नीचे हो गया t square. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus 1 by t plus c, यानी minus 1 upon sin x plus cos x, ये आ गया plus c. दोनों c के बजाय एक ही c लिख सकते हैं. तो अब I is equal to आ गया, what will come? I is equal to I1 plus I2, and I is equal to I1 plus I2, that means what? एक आ गया था वहाँ पे k 1 by root 2 log sec x minus pi by 4 plus tan x minus pi by 4 log में, और यहां पे minus 1 by sin x plus cos x plus c, ये आंसर होगा, right? तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है, और क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से बड़े तसल्ली से आप सॉल्व कर सकते हैं. इस वीडियो में हमने तरह तरह के क्वेश्चंस दिए, इसको आपने किया और समझा. इसको अच्छी तरह से करने के लिए आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे. क्वेश्चन की लंबाई अभी थोड़ी ज्यादा हो रही है, वो इसलिए है कि समझाने के पर्पस से, टू मेक देम यू पीपल अंडरस्टैंड बेटर वे, आई नीड टू राइट मोर एंड मोर स्टेप, बट वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, डेफिनेटली इट विल बी ईजियर, एंड यू कैन स्किप many of the unnecessary steps what I have written. So हम भी समझते हैं कि कुछ ज्यादा step मैंने लिखे हैं और direct आप skip कर सकते हैं, और ये भी possible है कि 1.5 minutes से maximum 1.5 से 2 minutes के अंदर इस question को solve किया जा सके. तो आप इस तरह से इस question को कर पाएंगे धीरे धीरे, और आगे हम करेंगे questions, right? इस video में इतना ही, अगली video में फिर मुलाकात होती है, और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस करके, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, कीप वाचिंग, गॉड ब्लेस. अभी थोड़ा धीरे धीरे गियर बढ़ा रहे हैं, आपकी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे क्वेश्चंस की बढ़ रही है. आप थोड़े, जैसा कि पहले कहा था,
बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बट ये चूंकि डिफिकल्टी का पहला सेशन है इसलिए इसमें हमने थोड़े कम रखी है आपकी टाइम ड्यूरेशन, और कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहे। और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट जो है www.arvindsinghe.com, इस पे आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी मटेरियल उसके ऊपर है जेई के लिए, आप वहां से क्वेश्चन की ले लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, निश्चित रूप से हमें बता के बहुत खुशी होगी और हम आपके साथ जरूर क्वेश्चंस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके संबंध में हो, किसी किताब से, कहीं से आपके दिमाग में आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, आप हमें मेल कर सकते हैं, हम उन सब क्वेश्चन को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस सॉल्यूशन में और उन सब क्वेश्चन को भी बताएंगे। अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछे, संपर्क करें, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड।